नमस्कार, न्यूज नेशन स्पोर्ट्स देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोनू चहल, अंकिता मेरे साथ हैं। और अंकिता, एक बड़ा झटका लगा इंग्लैंड की टीम को, दूसरा टेस्ट मैच जो कि विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। लेकिन इस मैच से पहले वैसे देखा जाए तो इंडिया को भी बड़े दो झटके लगे हैं। बिल्कुल, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा नहीं खेलेंगे, लेकिन अब जैक लीच जो बाएं हाथ के स्पिनर हैं उनको लेकर एक खबर सामने आया है। हालांकि ऑफिशियल नहीं है, लेकिन उनके बाएं घुटने में चोट लगी थी अंकिता, और उसके बाद फिर वो प्रैक्टिस करने नहीं आए जब प्रैक्टिस सेशन हुआ था इंग्लैंड की टीम का। अब अगर जैक लीच नहीं खेलेंगे दूसरे टेस्ट मैच में तो कितना बड़ा झटका इंग्लैंड के लिए। देखिए, यहाँ पर हमने देखा था पिछले मैच में तीन स्पिनर्स उतरे थे और टॉम हार्टली ने कमाल की गेंदबाजी की थी, 7 विकेट चटकाए थे सेकंड इनिंग में। तो कहीं ना कहीं झटका लगा है जैक लीच के ना होने से, क्योंकि ब्रैंडन मैकलन जो कि इंग्लैंड के हेड कोच है, उन्होंने ये भी कहा है कि हम 4 स्पिनर्स के तौर पर उतरेंगे दूसरे टेस्ट मैच में। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जैक लीच का ना होना एक ड्रॉबैक भी हो सकता है इंग्लैंड के लिए। लेकिन उनकी जगह कौन लेगा, रिप्लेसमेंट कौन होगा, ये देखने वाली बात होगी। शोएब बशीर, मोनू, वहां पर यह कहा जा रहा है कि शोएब बशीर जो है वो उनकी जगह ले सकते हैं। पहले मैच में वीजा ना मिलने की वजह से उनका रद्द हो गया था, उसके बाद सेकंड मैच के लिए वीजा जो है वो क्लियर हो चुका है उनका। तो देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर जैक लीच की जगह शोएब बशीर को मौका मिलेगा या नहीं, आपको क्या लगता है? यार मुश्किल है, क्योंकि देखिए डेब्यू मैच उनका, अब तक उन्होंने मैचेस भी नहीं खेले हैं, हालांकि फर्स्ट क्लास में भी कुछ 10 मैच खेले हैं उन्होंने कुल। और तीनों जो स्पिनर हैं उनमें जैक लीच एक ऐसे गेंदबाज थे जिनके पास सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस, उन्होंने 35 मैच खेले हैं और उनके पास विकेट्स भी ज्यादा हैं। बिल्कुल, करियर की बात कर लेते हैं, स्टैट्स की बात कर लेते हैं उनके, तो जैक लीच ने यहाँ पर देखिए जिस तरीके से उनका करियर रहा है मोनू, तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस भी मैटर करता है उनके लिए। और जैक लीच का ना होना एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी हो सकता है इंग्लैंड की टीम के लिए, क्योंकि मजबूती थी अगर हम उनके स्टैट्स की बात कर लेते, चलिए टेस्ट करियर की बात कर लेते, तो 35 मैच खेले हैं, 446 रन बनाए हैं, इसके अलावा एक उनका 50 भी आया है। और विकेट की बात कर लेते हैं तो 126 विकेट उन्होंने लिए हैं। तो कहीं ना कहीं ये सीरीज जो रही है, पहला मैच इंग्लैंड जीत चुका है और 1-0 बढ़त बना ली है सीरीज में, तो कहीं ना कहीं जैक लीच का ना होना एक तरीके से मोनू, 4 स्पिनर्स हम बात कर रहे थे तेज गेंदबाजों की, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर स्पिनर्स का बोलबाला देखने को मिला है, चाहे वो जैक लीच हो, चाहे वो रेहान अहमद हो, या फिर यहाँ पर टॉम हार्टली जिन्होंने कमाल की गेंदबाजी की थी सेकंड इनिंग में, 7 विकेट झटकाए थे। और टॉम हार्टली, आपको क्या लगता है कि सेकंड मैच में किस तरीके का इंपैक्ट रह सकता है? बिल्कुल इंपैक्ट रहेगा। और जैक लीच का ना होना, देखिए दोनों एंड से जब प्रेशर क्रिएट होता है ना अंकिता, तो एक अलग ही उनके पास वो वैरायटी लेकर आते हैं। लेफ्ट आर्म स्पिनर हमेशा इंडियन बैट्समैन को तंग करता, चाहे विराट हो, रोहित हो। इनफैक्ट अगर आप जैक लीच को देखोगे, उन्होंने जो 2 विकेट लिए थे पहले टेस्ट मैच में, उसमें 1 विकेट आपके कैप्टन रोहित शर्मा का था, और उसका जो सेकंड इनिंग में विकेट था वो श्रेयस अय्यर का था। यानी कि जो पार्टनरशिप जब बनती है तो जैक लीच वहां पर पार्टनरशिप तोड़ने का काम करते हैं। लेकिन अब जैक लीच का अब ठीक है, अगर नहीं होंगे तो ऐसे में जो ब्रैंडन मैकलम जो हेड कोच है, उन्होंने जो बयान दिया था कि हम अटैक करेंगे, हम 4 स्पिनर के साथ जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि 4 स्पिनर के साथ वो जाएंगे। हालांकि गेंद थोड़ा टर्न करेगा विशाखापट्टनम में, दोनों ओर से देखें तो भारतीय टीम की कोशिश यही रहेगी हम भी ज्यादा से ज्यादा स्पिनर खिलाएं, और शायद हो सकता है इंडिया भी एक ही तेज गेंदबाज के साथ जाए, क्योंकि इंग्लैंड सिर्फ एक तेज गेंदबाज के साथ गया था, मार्कवुड के साथ। मार्कवुड को विकेट नहीं मिला था वहां पर, लेकिन जैक लीच और रेहान अहमद और टॉम हार्टली, अब देखिए टॉम हार्टली ही एक ऐसे गेंदबाज बचते हैं जिससे सबसे बड़ा थ्रेट अगर कहें तो टॉम हार्टली ही होगा अंकिता। बिल्कुल, क्योंकि देखिए डेब्यू मैच था उनका, पहला टेस्ट मैच में डेब्यू किया था, और कमाल का हम कहते हैं ना कि डेब्यू मैच के लिए एक युवा प्लेयर के लिए बहुत बड़ा दिन भी होता है और प्रेशर भी क्रिएट होता है, क्योंकि आप इतने बड़े मैच में इतने बड़ी टीम के साथ आप खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर उन्होंने टैकल किया। और जिस तरीके से टॉम हार्टली एक कमबैक उन्होंने किया सेकंड इनिंग में, जिस तरीके से गेंदबाजी की है, पसीने छुटा दिए उन्होंने, 7 विकेट लिए यार उन्होंने, गुच्छों विकेट लिए थे टीम इंडिया को बिल्कुल। और जो टारगेट था, हमें लगा था आसानी से बना लेंगे 231 तो रन है, लेकिन उस 231 में भी टीम इंडिया 28 रनों से हार गई, और टॉम हार्टली ने 7 विकेट छटके थे। तो अब देखते हैं, बड़ा मजा आएगा इस मैच में भी, क्योंकि एक स्पिनर जैक लीच जो सबसे एक्सपीरियंस गेंदबाज हैं वो अब इस टीम के लिए नहीं होंगे। आई थिंक सबसे बड़ा सेटबैक इंग्लैंड टीम के लिए ये लगा है, हालांकि अभी ऑफिशियल नहीं है, लेकिन जो प्रैक्टिस हुई थी वाइजैक स्टेडियम में, वहां पर जैक लीच नहीं पहुंचे थे प्रैक्टिस करने, तो वहां से जो कयास लगाए गए हैं वो ये है कि जैक लीच हो सकता है सेकंड टेस्ट मैच में बाहर हो सकते हैं। इंग्लैंड के लिए बुरी खबर है, लेकिन इंडिया के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि जैक लीच नहीं खेलेंगे तो दोनों एंड से प्रेशर नहीं बनेगा। तो ऐसे में इंडिया के पास भी इनएक्सपीरियंस साइड है, बैटिंग अगर हम बात करें तो वहां पर बड़े नाम नहीं होंगे, चाहे विराट कोहली हो, केएल राहुल हो, रविंद्र जडेजा भी अब तो नहीं खेलेंगे, तो ऐसे में जैक लीच का ना होना टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा फायदेमंद रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और जैक लीच का ना होना कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा इस टीम पर, आप भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक अगर आपने न्यूज नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर दीजिए प्लीज़।